सब्सक्राइब कीजिए ग्लोबल पीडिया को और बेल आइकन को दबाइए ऑसम वीडियोस के लिए। सारे हमारे पास खड़ी है अभी i20 हुंडई की i20 मैग्ना, मारुति की अल्टो है LXI मॉडल, मारुति सुजुकी का अल्टो, अल्टो में इसका वेरिएंट आएगा K10। ऐसी बजट फ्रेंडली गाड़ी हम मैं अभी दिखाना चाहूंगा आपको, जो कि है मारुति सुजुकी का ओमनी, शेवलेट का एंजॉय। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे ऐसे तीन व्हीकल की तरफ जो कि सेम व्हीकल है, थोड़ा वेरिएंट अलग अलग है, कलर अलग अलग है। सारे हमारे पास खड़ी है अभी i20। एक बार आप कलर कॉम्बिनेशन दिखा दीजिए। हमारे पास खड़ी है ग्रे कलर, सिल्वर कलर और वाइट कलर। और चलो शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। तो मैं खड़ा हुआ अभी ग्रे कलर के पास, हुंडई की i20 मैग्ना। सर ये कब का मॉडल रहेगा? ये 2009 का मॉडल है, सेकंड ओनर गाड़ी है। गाड़ी का रनिंग भी ज़्यादा नहीं है, 64,000 चला हुआ है। और गाड़ी का प्राइस रहेगा समझ के चलो 2 लाख में कर देंगे इसको। बहुत सोच के पहले ही कैलकुलेशन लगा लिए सर ने दिमाग में कि गाड़ी कितने में दे सकते हैं, पूरा कैलकुलेशन बता के दो में छोड़ दे रहे हम लोग, उसमें भी निगोशियबल कर देंगे। आप सिर्फ हमारे वीडियो के रेफरेंस से आओ, जो भी हो सकता है मान सम्मान तो हम लोग डेफिनेटली करेंगे। बस इतना ध्यान में रखिए कि सिर्फ स्लाइटली निगोशियबल हो सकता है इसमें, नहीं तो हमने बोले 2 लाख और आप मांगेंगे 1.5 लाख में, तो ये पॉसिबल नहीं रहेगा, अभी बता दे रहा हूँ। और ओनर टाइप कौन सा बोले सर इसमें? सेकंड ओनर। हाँ, और इंश्योरेंस का कैसा रहेगा सर इसमें? इंश्योरेंस थर्ड पार्टी। अच्छा, तो हम लोग बना के देंगे। और सर इसका रनिंग कितना बोले आपने? रनिंग इसका 64। हाँ, और अगर टायर कंडीशन की बात करता हूँ सर, तो टायर कंडीशन कैसा है सर? ओके, 50 के लगभग, 50 प्लस अभी तक टायर मटेरियल बाकी है। और फ्यूल टाइप कौन सा बोले सर इसमें? मैग्ना पेट्रोल। पेट्रोल, ये फ्यूल टाइप आएगा इसका पेट्रोल। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट i20 की तरफ। ये सर कब का मॉडल रहेगा? ये 2011 का मॉडल है, पेट्रोल वर्जन है। सबसे टॉप मॉडल जो आता है आस्था मॉडल, वो मॉडल है। कुछ कंट्रोलिंग है स्टेयरिंग के अंदर ही, और अलाउंस दिया हुआ है गाड़ी के अंदर भी। और सीट कवर भी बहुत प्यारे लगाए हैं, लेदर सीट कवर आपको ब्लैक और ब्राउन कलर के कॉम्बिनेशन में मिल जाएगा। और टायर कंडीशन भी बहुत अच्छी है। तो इसका सर अभी मैं पूछना चाहूँगा, इसका रनिंग कितना हुआ है सर इसका? इसका 72 है। 72। और आस्किंग प्राइस 265। हाँ, 2.5 लाख में कर देते, डन, आओ और ले जाओ। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट i20 की तरफ। सर ये कौन सा मॉडल और इसका वेरिएंट बताइए सर मुझे। 2012 का मॉडल है, आस्था मॉडल है, ये डीजल में है। अच्छा, तो हमारे पास दोनों ऑप्शन यहाँ पे है, आपको अगर पेट्रोल लेना है तो पेट्रोल भी अवेलेबल है, डीजल लेना है तो डीजल भी अवेलेबल है। और इसका सर अभी तक के जो रनिंग है, तो रनिंग क्या रहेगा सर इसमें? रनिंग इसका 70 समथिंग है, तो अप्रोक्स पता नहीं है, हम लोग बता देते कि अभी 70 प्लस चली है, 70,000 प्लस। और इसका सर आस्किंग प्राइस क्या रखें? इसका 365। इसको भी 3.5 में करा दूँ? करवा दो, 3.5 में डन कर देंगे। और इसका टायर कंडीशन कैसी रहेंगी सर? टायर पूरा 90% टायर है इसका, 90% टायर बाकी है। और एयरबैग वगैरह सब दिया हुआ है इसके अंदर में। चलो अभी एडवांस फीचर्स के बारे में आप बताइए, एडवांस फीचर्स क्या क्या लगे सर? इस पे एयरबैग दिया हुआ है, ABS दिया हुआ है गाड़ी के अंदर में, अलाविस दिया हुआ है, क्रूज कंट्रोलिंग दिया हुआ है, लेदर सीट कवर है गाड़ी के अंदर में, डेक ओके उसका, यानी शोरूम कंडीशन की गाड़ी है। आपको बस खर्चा नहीं करना है, आपको बस गाड़ी लेना है, पेट्रोल डालना है और चलाना है, और चलाते सॉरी डीजल पेट्रोल नहीं डालना है इसमें डालना है डीजल। और गाड़ी चलाते थोड़ा रुकना है आपको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है गाड़ी थी चलाने के पहले। तो चलो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट व्हीकल की तरफ, जो कि एक ऐसी गाड़ी है जो जिनका बजट कम है, छोटी फैमिली है उनके लिए। तो हमारे पास खड़ी है मारुति सुजुकी का। सर ये कौन सा मॉडल रहेगा? ये मारुति की अल्टो है, LXI मॉडल, 1000 CC वाली गाड़ी है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है।
अच्छा। और इसके अंदर में कस्टमर को पूरे ओके पेपर करके इंश्योरेंस वगैरह कुछ पैसा देने की जरूरत, सिर्फ ट्रांसफर का पैसा लगेगा 3,500 रुपये और गाड़ी को पूरे ग्रीन टैक्स वगैरह पे करके हम लोग दे देंगे इंश्योरेंस के साथ। अच्छा, तो गाड़ी का ईयर कौन सा रहेगा? ये 2008 का मॉडल है। अच्छा, और गाड़ी का प्राइस रहेगा 1,25,000। 1,25,000 फाइनल ये रहेगा, 1,25,000 फाइनल। उसमें भी कुछ भी निगोशियबल होता है तो मैं अभी नहीं करूँगा क्योंकि बहुत कम बता दिए पहले से। आपको विजिट करना है, ऑफिस में बैठो, ऑन टेबल इसका डील कर देंगे। टायर कंडीशन भी अच्छी है, अप्रॉक्स 50% अभी भी मटेरियल बाकी है। गाड़ी थोड़ी पुरानी है पर कंडीशन जो डॉक्टर गाड़ी बोलते हैं, जो डॉक्टर गाड़ी चलाता है, तो जो भी प्रोफेशनल बंदे आपको तो पता ही है गाड़ी बहुत ही सहज के रखते हैं, वैसी गाड़ी सहज के रखी है। और इसका फर्स्ट ओनर गाड़ी है, डॉक्टर साहब ने ही गाड़ी चलाया है, बहुत अच्छी कंडीशन में गाड़ी रखी है। और इसका रनिंग कितना बोले आपने? रनिंग 57। तो चलो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट व्हीकल की तरफ, जो कि एक है मारुति सुजुकी का अल्टो। अल्टो में इसका वेरिएंट आएगा K10। सर मैं पूछना चाहूँगा इसका ईयर, गाड़ी का मॉडल का ईयर कौन सा रहेगा सर? ये 2012 का मॉडल है, सेकंड ओनर है। सेकंड ओनर, और सीट कवर भी बहुत ही प्यारे डाले हैं लेदर के, इसमें हल्का ब्राउन और क्रीमिश कलर का लेदर कवर दिया है यहाँ पे। और टायर कंडीशन भी बहुत अच्छी है, तो अभी मैं पूछना चाहूँगा इसकी रनिंग, जो एक्चुअल रनिंग हुआ है, रनिंग कितना हुआ सर इसका? इसका रनिंग हुआ 62। 62, और आस्किंग प्राइस? इसका 215 में आस्किंग प्राइस। 250 या 215? 215। 15, हाँ राउंड अप करा दे, करवा दो, 2,00,000 में लेके जाइए। तो चलो गाइस बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट व्हीकल की तरफ, और ये इस व्हीकल का जो खासियत है मैं पहले बताना चाहूँगा। जिन भी भाइयों की, जो भी मेरे भाई वीडियो देख रहे हैं अभी, उनकी फैमिली बड़ी है पर गाड़ी लेने के लिए बजट कम है, ऐसी बजट फ्रेंडली गाड़ी हम मैं अभी दिखाना चाहूँगा आपको, जो कि है मारुति सुजुकी का ओमनी। ओमनी में सर ये कौन सा वेरिएंट रहेगा? ओमनी में ये 20 दिसंबर 2018 का मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, और गाड़ी का टायर गियर कंडीशन पूरा ओके, लेदर सीट कवर लगा हुआ है गाड़ी के अंदर में, प्योर पेट्रोल व्हीकल है, नो गैस किट। अच्छा, और इसका जो रनिंग हुआ है वो कितना हुआ है? रनिंग इसका हुआ है 67,000 हुआ है। अच्छा, और कस्टमर समझ के लो, अपन कस्टमर को ये गाड़ी दे देंगे 3,15,000 में, कस्टमर को दे देंगे गाड़ी। चलिए इसको भी राउंड अप कर दीजिए, 3,00,000 में 3,00,000 रुपये लेके आइए। और फाइनेंस कंडीशन वाले के लिए बताना चाहूँगा, इंश्योरेंस कॉम्प्रेसिव आपको बनाना पड़ेगा, थोड़ा बहुत जो भी जो सपोर्ट है वो हम लोग देंगे, और उसके बाद गाड़ी फाइनेंस भी करके देंगे, बस आपको लाना है 50,000 रुपये और गाड़ी लेके जाना है। तो चलो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट व्हीकल की तरफ, जो कि एक प्रीमियम कार है, और प्रीमियम कार बताने के लिए खड़े हैं हमारे अभिषेक भैया हमारे साथ है, और प्रीमियम गाड़ी बताने के लिए प्रीमियम पर्सनालिटी हम लोग ने लाए, देखिए 6.5 फीट पर्सनालिटी हम लोग ने यहाँ पे खड़ी करी है। और चलो शुरू करते हैं हमारी कार की डिटेल्स के बारे में। तो अभिषेक भैया मैं जानना चाहूँगा इसका ये कब का वेरियंट रहेगा? जी एक्चुअली ये है 2012 का वेरियंट है, ZDI टॉप एंड मॉडल है, ऑलमोस्ट चला हुआ है, 90,000 चला हुआ है, फर्स्ट ओनर है, ZDI है, ऑलमोस्ट पकड़ के चलिए ड्रिवन मतलब कंडीशन की बात करूँ तो ऑलमोस्ट प्रीमियम कंडीशन में, चारों टायर नए हैं, सर्विस कराने की ज़रूरत नहीं है ऑलमोस्ट, मतलब आप बस लीजिए और घर लेके जाइए और बस हार डालिए और चलाइए, डीजल डाले कोई प्रॉब्लम नहीं है ऑलमोस्ट। उसका प्राइसिंग बोलते अपन 6,00,000 रुपये 2012 का 12वें महीने का, ऑलमोस्ट 13 पकड़ सकते हो आप, तो हाँ आप बोल सकते हो वैल्यू फॉर मनी गाड़ी है एक्चुअल में। इसके अलावा अगर बोलो तो आप MH12 गाड़ी है, तो डॉक्यूमेंट्स का भी अगर आप बोलो तो डॉक्यूमेंट्स का भी कोई टेंशन नहीं है, छोटा मोटा नेगोशिएशन भी हो जाएगा तो प्राइस बोलेगा फिर भी छोटा मोटा जो भी कुछ हो जाए। तो मैं अभी बताना चाहूँगा कि अभी से हम लोग 20,000 का डिस्काउंट करा के दे रहे हैं, जो भी हमारे चैनल के रेफरेंस से आते हैं, और उसके बाद अगर वो थोड़ा सा स्लाइटली निगोशिएबल करना है तो आपको ऑन टेबल बैठना पड़ेगा सर के साथ और गाड़ी का डील करना पड़ेगा। और सर अगर मैं पूछना चाहूँगा टायर कंडीशन के बारे में, टायर कंडीशन कैसे रहेंगे सर? कंडीशन तो आप ऑलमोस्ट पकड़ के चलिए 80-90% के टायर्स है, ऑलमोस्ट अभी डाले हुए टायर्स है, और सर्विस भी अभी हुआ है, ऑलमोस्ट पकड़ के चलिए 2 हफ्ता नहीं हुआ है इसको, 1 हफ्ता हुआ है मेरे पास खड़ी है गाड़ी बस। तो टायर्स कंडीशन पकड़ लीजिए, इंजन लाइन पकड़ लीजिए, बॉडी लाइन पकड़ लीजिए, ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं कराना है, कुछ भी नहीं, एकदम स्क्रैचलेस कंडीशन की गाड़ी है 2012 की 13 की होने के बाद में भी जो भी देखो। और इसका सर फ्यूल टाइप कौन सा आएगा? फ्यूल टाइप डीजल, ZDI टॉप एंड मॉडल है।
टॉप एंड है, दो चाबी के साथ है, इंश्योरेंस भी वैलिड है, तो बहुत अच्छी गाड़ी। तो गाड़ी को अगर लेना है तो सिर्फ आपको लाना है 1.5 लाख रुपए, बाकी फाइनेंस करा देंगे। बाकी फाइनेंस हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। आपके अगर डॉक्यूमेंट्स बहुत अच्छे, सिविल बहुत अच्छा है, तो मैं ऑलमोस्ट 0 डाउन पेमेंट पे करा सकता हूँ, गारंटी दे सकता हूँ। तो सिर्फ शगुन लाना है 11,000 रुपए का। 11,000 भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। तो चलो गाइस, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट व्हीकल की तरफ, जो कि है शेवलेट का एंजॉय। गाड़ी लेना है और एंजॉय करना है, गाड़ी का नाम भी एंजॉय है। तो मैं अभी पूछना चाहूंगा सर, इसमें मॉडल कौन सी ईयर करेगा? एक्चुअली ये मॉडल है 2013 का, ऑलमोस्ट 12वें महीने का गाड़ी है ना। फर्स्ट सेकेंड ओनर है, इंश्योरेंस लैप है इसका एक्चुअल में। ड्रिवन है ऑलमोस्ट 98 चला हुआ है, डीजल इंजन है, ऑलमोस्ट एवरेज निकालता है 20 के ऊपर, 20-22 आराम से देता है डीजल इंजन होने की वजह से। ऑलमोस्ट टायर्स की कंडीशन बोलूँ, टायर्स की कंडीशन भी 50-60% है, सर्विस कराने की ज़रूरत नहीं, सर्विस ऑलमोस्ट है, और स्क्रैचलेस कंडीशन की गाड़ी है, कोई टेंशन नहीं है, आप बस लो और चलाओ। मेरे यहाँ पे सारी गाड़ियाँ लो और चला वाली है ऑलमोस्ट सारी, तो सेम ऐसी कुछ डिटेल है। और अगर ड्राइव क्वालिटी देखते हो, बॉडी लाइन देखते हो, इंजन लाइन देखते हो, ऑलमोस्ट ओरिजिनल है, तो कुछ भी करने जैसा कुछ भी नहीं है, आप लो धो, धोने की भी ज़रूरत नहीं है ऑलमोस्ट। मैं पूरी आपको डिलीवरी दिखा सकता हूँ, ऑलमोस्ट शाम में एक डिलीवरी भी है, आप देख के जाइए, आपको भी पता चले कि कैसी गाड़ी देते हैं हम लोग, बस लो और चलाओ। डिलीवरी के टाइम बिल्कुल पूरा रिन्यूड करके देते हैं हम लोग। और अभी मैं पूछना चाहूँगा सर, इसका आस्किंग प्राइस, तो आस्किंग प्राइस क्या रखें? आस्किंग अपन बोलते हैं 3.5 लाख रुपये, ऑलमोस्ट 350 बोलते हैं, जो छोटा मोटा नेगोशिएशन हो जाएगा मैं करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। 350 बोलते हैं, छोटा मोटा नेगोशिएशन करा दूंगा, तो 330 में करा के देते फिर। बोल सकते हो करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। तो हमारे तरफ से 330 का अभी हम लोग ने आस्किंग प्राइस रखे है। हमारे वीडियोस के रेफरेंस से जो भी आता है उनको 330 में भी हम लोग और ऑन टेबल कुछ कर सकते हैं, बस आपको विजिट करना है GM कार बाजार में, और गाड़ी चला के देखिए, सारा सर्विस हिस्ट्री में आपको मिल जाएगा। चला के देखिए सारी चीज़ें, एक बार चेक कर लीजिए डॉक्यूमेंट्स, मैं सारे आपको ओरिजिनल दूंगा, डॉक्यूमेंट्स का कोई टेंशन नहीं, ट्रांसफर से लेके ऑलमोस्ट लोन से लेके सारी चीज़ें करा दूंगा यहीं पे टेबल पर, कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपको बस आना है, हमारे एसी में बैठना है, चाय पीना है, नाश्ता करना है, गाड़ी लेके जाना है। जी जी बिल्कुल, लस्सी भी मिलेगी, कोई टेंशन नहीं। और तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जहां हम आपको लेके आए थे GM कार बाजार, जो कि लोकेटेड है बैद्यनाथ कॉम्प्लेक्स नियर तुकोजी पुतला हनुमान नगर नागपुर में। और यहां पे इस शोरूम में सारी गाड़ियां, सारे सेगमेंट हमने आपको दिखा दिए, जो कि हैचबैक, सीडान, प्रीमियम सीडान, सारी गाड़ियां, SUV, कॉम्पैक्ट SUV, सारी गाड़ियां आपको दिखा दिए। तो मैं अभी यही बोलना चाहूँगा कि एक बार विज़िट कीजिए GM कार बाज़ार में, और गाड़ी का इन्फो लीजिए, गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लीजिए, उसके बाद अगर आपको गाड़ी पसंद आती है तो आप डेफिनेटली यहाँ से खरीदिए। गाड़ी का अगर ऑन रिकॉर्ड कुछ चेक करना है आपको, किलोमीटर्स वगैरह सारा कुछ चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें होने के बाद आपको एक ही काम करना है, हमारे सारे वीडियोज़ को लाइक करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और वीडियोस ऐसे लोगों को शेयर करना है जो अभी सेकेंड हैंड व्हीकल देख रहे हैं परचेस करने के लिए। और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, जय हिंद। Mm-hmm.